जालौन के स्पेशल विप्स एंड टैक्टिस को बड़ी सफलता मिली है। इस टीम ने शराब के अवैध तरीके से तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो एक ट्रक में हरियाणा से सेब की पेटी में भरकर शराब ले जा रहे थे, जिसमें पुलिस को अवैध शराब की 500 पेटियां बरामद हुई हैं। बीती रात जालौन के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही है। इसके बाद स्वाट टीम और उरई कोतवाली पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के साई पैलेस के पास से एक ट्रक को पकड़ा। जब इसे खोला तो पुलिस के होश उड़ गए, जिसमें सेब की 500 पेटियां थी। इन पेटियों को खोला जो तो सभी शराब की बोतलों से भरी थी, जो हरियाणा निर्मित थी। बरामद की गई शराब की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। वहीं ट्रक को निकालने के लिए कार से रेकी कर रहे थे 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि बरामद की गई शराब की खेप को झांसी ले जाया जा रहा था। हरियाणा के इस शराब को गोदाम से फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकाला जाता है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? आज आप शराब के साथ पकड़े हो, क्या पूरा प्रकरण? मैं सत्यवान चंदो प्रसाद सिंह, ग्राम नावास, थाना सापला, रोहतक का स्थायी निवासी हूँ। 1.5 साल से शराब का काम करता हूँ और परमानेंट हरियाणा से दासी दे रहा हूँ। कंटेनर में, फल फ्रूट में, फॉर्चून में छुपा के पहुँचाते हैं। कितनी कीमत की सवार शराब? अब हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा में 5 लाख रुपए कीमत है। यहाँ की कुछ मैं बता नहीं सकता कितनी है। कितनी बार यहाँ लेके आ चुके हो आप? 6-7 बार, 7-8 बार लेके पहुँचा दी। कैसे पकड़े गए? भाई यही चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने खुलासा किया है अवैध शराब पकड़ी है, कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ बेची जा रही थी, कितने कीमत की शराब है? देखिए, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास एक ट्रक, एक ट्यूज कार पुलिस ने बरामद की है। ट्रक में कुछ सेब की पेटियाँ हैं और लगभग 500 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब, 6000 से ऊपर लीटर की कैपेसिटी का है। ये लोग हरियाणा से शराब लाते थे और झांसी और अन्य जो राज्य हैं बिहार में और लगे हुए जो झांसी के लगे हुए जिले हैं, उनमें शराब सप्लाई ये लोग करते हैं। इनके द्वारा जो बताया गया सर, ये जो सत्यभान है, इसने बताया कि इसके ऊपर पूर्व में भी हरियाणा में केस है और जो इनका साथी जो भाग गया है, मानवेंद्र, जो झांसी का रहने वाला है, उसके ऊपर भी अभियोग इन लोगों के द्वारा बताए गए हैं। जेल भी वो गया। क्या कीमत है सर मार्केट में शराब की? पकड़ी गई 500? देखिए, 15 से 20 लाख रुपया तो इसकी कीमत होनी चाहिए, जो हमारा अनुमान है। सर, उरई कोतवाली पुलिस ने एसओजी को बड़ी सफलता हाथ की है, तो इनको क्या इनाम दिया? ये एसओजी की टीम द्वारा और सर्विलांस और उरई पुलिस के द्वारा मिलजुल कर ऑपरेशन किया गया है। इसमें आईजी महोदय द्वारा 30,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को दिया गया। सर, जालौन पुलिस ने किस तरह इस नेटवर्क को मतलब कि भंडाफोड़ करके अंजाम दिया है? देखिए, ये अभी डीजीपी महोदय का एक अभियान चल रहा है, जिसमें इस तरीके की शराब को पकड़ना, अवैध तमंचों को, हथियारों को पकड़ना, इसका अभियान चल रहा है। उसी में हम लोगों ने अपनी टीम को एक्टिवेट किया हुआ था। एसओजी सर्विलेंस लगातार लगी हुई थी कि कौन शराब सप्लाई करता है जनपद में और अगल बगल में, कौन गांजा तस्करी करता है। उसी में इनके पास इनपुट आया है और इन लोगों ने इस पर वर्क किया और ये शराब बरामद। पकड़े गए 3 लोगों को किसी का सर क्राइम हिस्ट्री है? हाँ, पकड़े गए 3 लोगों में सत्यवान के द्वारा बताया गया है कि मेरा आपराधिक इतिहास है, बाकी हरियाणा से हम लोग इनका आपराधिक इतिहास ले रहे हैं। जो इनका साथी भाग गया मानवेंद्र, उसको झांसी में मुकदमे दर्ज है। ओके। जालौन से संवाददाता मनोज शिवहरे की खास रिपोर्ट।